हेलो दोस्तों, हमें अगला प्रोग्राम देखना है। राइट ए वीबी डॉट नेट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूजर थ्रू इनपुट बॉक्स एंड डिस्प्ले इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल इनटू द लिस्ट बॉक्स। तो हमें यूज़र से इनपुट बॉक्स यूज़ करके नंबर रीड करना है और उसके उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल, मतलब अगर टू यूज़र ने नंबर दिया तो टू का काउंटिंग टेबल आपको डिस्प्ले करना है, 2, 4, 6 अप टू 20। लेकिन उसके डिटेल्स हमें लिस्ट बॉक्स में एंटर करना है। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे एक फॉर्म ऐड कर रहा हूँ, राइट क्लिक ऐड विंडोज फॉर्म। मैं यहाँ पे नेम देता हूँ FRM मल्टीप्लिकेशन टेबल। आप अलग अलग प्रोजेक्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे यूज़र से एक नंबर रीड करना है इनपुट बॉक्स से और काउंटिंग टेबल लिस्ट बॉक्स में ऐड करना है। तो मैं पहले बटन एक ले लेता हूँ, यहाँ पे बटन ले लिया मैंने एक, और एक लिस्ट बॉक्स मुझे चाहिए जिसमें हमारा काउंटिंग टेबल शो होने वाला है। तो इसके नीचे मैं एक लिस्ट बॉक्स ऐड कर देता हूँ। लिस्ट बॉक्स मैंने ऐड किया। इस बटन पे टेक्स्ट टाइप करते हैं, क्लिक टू डिस्प्ले काउंटिंग टेबल। इस पे क्लिक करने के बाद हमें लिस्ट बॉक्स वन में उस नंबर का काउंटिंग टेबल डिस्प्ले करना है। तो बटन वन के क्लिक पे मैं कोड लिख रहा हूँ। यहाँ पे मुझे पहले तो नंबर रीड करना है इनपुट बॉक्स से। तो मैं एक एन एज इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ। एन इज इक्वल टू सी इंट एक कन्वर्जन फंक्शन है, क्योंकि हमें जो भी नंबर इनपुट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स से मिलते हैं वो सभी नंबर बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होते हैं। मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया। इनपुट बॉक्स में हमें प्रॉम्प्ट देना है यूज़र को एंटर नंबर करके, या फिर वो समझ पाएगा कि नंबर एंटर करना है। एंटर नंबर करने के बाद एन में हमने जो भी एन वैल्यू थी वो स्टोर की। हमें काउंटिंग टेबल आई इज इक्वल टू, मतलब वन से लेके टेन तक ही डिस्प्ले करना है। तो मैं डी में आई एज इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ। फॉर आई इक्वल टू वन टू टेन, हमें वन से लेकर टेन तक ही काउंटिंग टेबल डिस्प्ले करना है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टेप वन ही होता है, लेकिन हम वो एक्सप्लिसिटली लिखेंगे, क्योंकि ये इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू मैंशन ऑल द सिंटैक्स इन योर प्रोग्राम। तो आई इक्वल टू वन टू टेन स्टेप वन। और यहाँ पे मुझे लिस्ट बॉक्स वन में लिस्ट बॉक्स वन डॉट ऐड आइटम, लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट ऐड डॉट ऐड हमें ऐड करना है एन इंटू आई। लेकिन हम जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार अलग अलग टेबल यहाँ पे क्रिएट होते जाएंगे और एक के नीचे एक आएंगे। लेकिन मुझे सिर्फ एक बार एक ही नंबर का काउंटिंग टेबल अगर दिखाना है तो हमें वो लिस्ट बॉक्स क्लियर करना होगा। वहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन पहले ये एग्जीक्यूट करके देखेंगे। हम प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके पहले स्टार्टअप ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। हम स्टार्टअप ऑब्जेक्ट मल्टी टेबल यहाँ पे सेट किया मैंने, और फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक टू डिस्प्ले काउंटिंग टेबल। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स मिला। मैं इनपुट बॉक्स में वैल्यू डाल रहा हूँ 3। तो 3 का काउंटिंग टेबल मुझे चाहिए। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे 3 का काउंटिंग टेबल मिला। अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे 5 का काउंटिंग टेबल चाहिए या फिर 13 का काउंटिंग टेबल चाहिए, तो 13 मैंने यहाँ पे एंटर किया। ओके करने के बाद यहाँ पे 13 का काउंटिंग टेबल अलग से मिला, लेकिन उसमें उसी लिस्ट बॉक्स में वैल्यूज ऐड हुए। मुझे करना क्या है, जो पहले वाला 3 का काउंटिंग टेबल था वो पहले क्लियर करना है और नए नंबर का काउंटिंग टेबल ऐड करना है। इसके लिए मुझे सिंपल एक लाइन यहाँ पे ऐड करनी होगी, लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट क्लियर। जो भी लिस्ट बॉक्स में आइटम्स होगी पहले से हम क्लियर करेंगे, और बाद में लिस्ट बॉक्स में नया काउंटिंग टेबल हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले 2 का काउंटिंग टेबल चाहिए, बाद में मैं बता रहा हूँ कि मुझे 3 का काउंटिंग टेबल चाहिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ मुझे 13 का काउंटिंग टेबल चाहिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अलग अलग नंबर का काउंटिंग टेबल एक ही जगह पे हमें दिख रहा है, मतलब वैल्यूज़ ओवरराइट नहीं हो पा रही है। तो ये हमें काउंटिंग टेबल जो बोला था उसके लिए सिंपल फॉर लूप इस्तेमाल करके हमें कोडिंग करना है। थैंक यू।